Welcome back students to Ujjain Pharmadoz. Myself Poonam Jess. In the previous lecture we have discussed about the sympathomimetic drug, cholinergic agonist drug, cholinergic antagonist drug, adrenergic agonist and adrenergic antagonist drug. In this lecture we discussed about the neuromuscular blocking agents drug and neuromuscular blockers agents, neuromuscular drugs, also known as skeletal muscle laxant drug. जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग है इनका अनदर नेम है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? एसोसिएशन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड मसल सेल. एक मोटर न्यूरॉन के बीच में और एक मसल सेल के बीच में जो जंक्शन है, एसोसिएशन है, वो क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने क्या बताया है कि मोटर न्यूरॉन और मसल सेल के बीच के अंदर जो जंक्शन है, जब वो कम्युनिकेशन करते हैं केमिकल मैसेंजर के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, एक न्यूरॉन मसल्स के साथ जो कम्युनिकेशन करता है, उन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन है, जो जंक्शन है, जो गैप है, वो क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अब दूसरा, कॉलिनर्जिक ट्रांसमिशन बिटवीन नर्व एंडिंग एंड निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन द स्केलेटल मसल. जो हमारा NM रिसेप्टर है, निकोटिनिक मस्क्रेनिक, जो निकोटिनिक का NM रिसेप्टर है, वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारा मसल्स पे, स्केलेटल मसल्स पे. तो उनके बीच में और नर्व एंडिंग है जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स की, कॉलिनर्जिक न्यूरॉन की, उनके बीच में जो जंक्शंस हैं, उनका जो ट्रांसमिशन है वो क्या है? न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन. दे कैन एक्ट बाय प्री साइनेप्टिकली एंड इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलाइन सिंथेसिस. ये बोल रहा है कि वो प्री साइनेप्टिक भी काम कर सकते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक भी. प्री साइनेप्टिकली बाय इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलाइन सिंथेसिस और लीज और बाय इनहिबिटिंग ACH रिसेप्टर, एक्टिंग ऑन ACH रिसेप्टर एक्ट एज पोस्ट साइनेप्टिकली ऑफ द मोटर नर्व एंडिंग प्लेट. ये क्या बोल रहा है कि प्री साइनेप्टिकली ये कैसे काम करते हैं? एसिटाइलकोलाइन की सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हमने अल्टीमेटली करना क्या है इस टाइम पे? ब्लॉकेज करनी है, उन जंक्शंस के बीच का ट्रांसमिशन को ब्लॉक करना है. अगर एसिटाइलकोलाइन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा. या तो एसिटाइलकोलाइन की सिंथेसिस को हमने ब्लॉक कर दिया या उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसकी कैसे टाइप्स है कि कितने टाइप्स का है हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स? टू टाइप्स की है, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग. डीपोलराइजिंग मतलब जो डीपोलराइजेशन के थ्रू काम करेंगी, ये ड्रग आल्सो नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव ड्रग. नॉन डीपोलराइजिंग आल्सो नोन एज ए कॉम्पिटिटिव ड्रग. इसके अंदर हमारे पास ड्रग है डीपोलराइजिंग के अंदर, सक्सिनाइल कॉलिन ड्रग. ये क्या है? सॉल्ट एक्टिंग ड्रग है. सॉल्ट एक्टिंग ड्रग है सक्सिनाइल कॉलिन. लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारे पास नॉन डिपोलाइजिंग कम्पिटिटिव के अंदर है डी ट्यूबोकुरेरिन, पैनक्रोनियम मेन है, डी ट्यूबोकुरेरिन, पैनक्रोनियम, गैलामाइन एंड डॉक्साकुरियम. चार ड्रग है, आप कोई भी दो ड्रग यूज कर लेना, याद कर लेना, डी ट्यूबोकुरेरिन और पैनक्रोनियम. इंटरमीडिएट में है एट्राकुरियम, वी कुरियम और रोकुरियम, AVR. एट्रा वी रो. ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में है हमारे पास मीवा कुरियम. कौन सी ड्रग है शॉर्ट में? मीवा कुरियम. ठीक है, ये है लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स. अब यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का, जो कि डीपोलराइजेशन के थ्रू काम करेंगे. डीपोलराइजिंग मसल लेक्सेंट्स रिजेंबल एसिटाइलकोलाइन एंड बाइंड टू एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर डायरेक्टली. ये क्या बोल रहे हैं कि जो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ये एसिटाइलकोलाइन की तरह है, बाइंड करेंगे एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर पे और क्या करेंगे? मसल एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेंगे. अनलाइक एसिटाइलकोलाइन, दीज ड्रग्स आर नॉट मेटाबोलाइज बाय एसिटाइलकोलाइन एस्टेज. ठीक है, ये ड्रग क्या है? एसिटाइलकोलाइन की तरह एसिटाइलकोलाइन एस्टेज से मेटाबोलाइज नहीं होती एंड देयर कंसंट्रेशन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट डजंट फॉल रैपिडली रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन ऑफ मसल एंड प्लेट.
ये क्या बोल रहे हैं कि एसाइलकोलिन की तरह ये ड्रग मेटाबलाइज नहीं होती और इनकी जो कंसंट्रेशन है साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर वो भी फॉल नहीं होती और क्या करती है ये प्रोलॉन्ग करती है ड्यूरेशन डीपोलेशन जो मसल एंड प्लेट का कंटिन्यूएशन एंड प्लेट डीपोलेशन कॉज ए मसल लेक्सेशन। अगर हमारी मेम्ब्रेन कंटिन्यूस डीपोलराइज रहेगी तो उसकी वजह से वो मसल्स क्या हो जाएगी रिलैक्स हो जाएगी जो उसका मसल एंड प्लेट डीपोलेशन है वो क्या कॉज करेगा रिलैक्सेशन कॉज करेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है डीपोलेशन किसके लिए यूज करते हैं हम कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूज करते हैं किसी भी चीज़ की है ना मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन के लिए। बट अगर कंटिन्यूस डीपोलेशन होता रहा वो प्रोलॉन्ग्ड हो गया है हमारा तो एक टाइम के लिए वो डिसेंसिटाइज होगा और वहाँ पे हमारी मसल्स क्या कॉज करेगी फिर रिलैक्सेशन। ओपनिंग ऑफ प्री जंक्शनल सोडियम चैनल इज टाइम लिमिटेड कि जो सोडियम चैनल की ओपनिंग है वो क्या है टाइम लिमिटेड है। सोडियम चैनल रैपिडली इनएक्टिवेट विद कंटेनिंग कंटिन्यूइंग डीपोलेशन जो रैपिड सोडियम चैनल ओपनिंग होती है वो क्या कॉज करती है डीपोलेशन कॉज करती है ना तो वो रैपिडली क्या हो जाती है इनएक्टिवेट हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगी कंटिन्यूइंग डीपोलेशन होती है। फेज वन इसके अंदर हमारे पास है फिर वरना फेज वन ब्लॉकेज डीपोलराइजिंग एजेंट ओपन द सोडियम चैनल एसोसिएटेड विद निकोटिनिक रिसेप्टर। फेज वन ब्लॉकेज के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे डीपोलराइजिंग एजेंट है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स है वो क्या करेगी सोडियम चैनल को ओपन करेगी जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ पे एसोसिएटेड है जिसकी वजह से क्या होगा डीपोलराइजेशन रिजल्ट होगा। ठीक है अब क्या है दिस लीड टू ट्रांसिएंट ट्वीचिंग ऑफ मसल्स। अगर हमने इन्हें बोला कि सोडियम चैनल की जो ओपनिंग हुई है स्टार्टिंग में ठीक है उसकी वजह से क्या हुआ डिपोलेशन हुआ जिसकी वजह से हमारी जो हमारी मसल्स है उसके अंदर क्या हुआ फैसिकुलेशन हुआ। उसके बाद फेज टू ब्लॉक है आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रोलॉन्ग्ड एंड प्लेट डिपोलेशन कैन कॉज पुअरली अंडरस्टूड चेंजेस इन द एसाइलकोलिन रिसेप्टर। ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में सोडियम की ओपन हुई डीपोलेशन हुआ उसके बाद मसल्स की फैसिकुलेशन हुई उसके बाद अगर कुछ टाइम के बाद डीपोलेशन हमारा प्रोलॉन्ग्ड है तो उसकी वजह से क्या होगा एसाइलकोलिन रिसेप्टर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ डायग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर का डायग्राम है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये सक्सिनाइलकोलिन कौन सी ड्रग्स है हमारी ये है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब देखो फेज वन में मेम्ब्रेन डीपोलराइजेज रिजल्टिंग इन इनिशियल डिस्चार्ज दैट प्रोड्यूस ट्रांसिएंट फैसिकुलेशन कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई जिसकी वजह से एसाइलकोलिन रिलीज हुआ डिस्चार्ज हुआ जिसकी वजह से हमारी मसल्स की फैसिकुलेशन हुई फॉलोड बाय फ्लेसिड पैरालिसिस। फेज टू के अंदर हमारे पास क्या हुआ था फेज टू में मेम्ब्रेन रिपोलराइज होगी बट रिसेप्टर इज डिसेंसिटाइज टू द इफेक्ट ऑफ एसाइलकोलिन जो मेम्ब्रेन है वो रिपोलराइज होगी है बट हमारा जो रिसेप्टर था एसाइलकोलिन का वो डिसेंसिटाइज हो गया एसाइलकोलिन के इफेक्ट के इसका मतलब वो मेम्ब्रेन कैसी है अब डिपोलराइज मेम्ब्रेन। ये हमारा मैकेनिकल इफेक्शन था डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का। ठीक है थैंक यू।